हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल करंट अफेयर्स अपडेट में। मैं श्रेयांश तिवारी आज एक नया टॉपिक रीजनिंग का स्टार्ट करने वाला हूं, वो है नंबर सीरीज और लेटर सीरीज पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं। तो नंबर सीरीज आपने एग्जाम में देखे होंगे, क्वेश्चंस काफ़ी रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हमें कैसे करना है, क्या स्ट्रेटजी रखना है, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जब भी नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन आते हैं उन पे कुछ ना कुछ लॉजिक हमेशा होता है। वो लॉजिक कैसे हमें निकालना है, किस पर चीज़ लॉजिक वेस्ट होता है, वो समझना है। तो लॉजिक जो होते हैं वो कुछ ना कुछ नंबरों के बीच में कुछ गैप होते हैं, उससे हम लॉजिक को निकाल लेते हैं। जैसे कि एक एडिशन सबट्रैक्शन का लॉजिक होता है। जो नंबर्स होते हैं, जैसे ये नंबर दिए हुए हैं, तो इनमें एडिशन सबट्रैक्शन का कोई लॉजिक हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन का हो सकता है, स्क्वायर का हो सकता है या फिर क्यूब का हो सकता है, या फिर स्क्वायर मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन का मिक्स हो सकता है। इस टाइप से बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको हम कैसे करते हैं, वो आज स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन देखिए, 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50, ठीक। तो कैसे लॉजिक को देखना है, देखो जब नंबर सीक्वेंशियली धीरे धीरे बढ़े, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, 2 से 5 हो रहा है, 10 हो रहा है, 17 हो रहा है, 26 हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब भी नंबर ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका मतलब कि नंबर में कुछ ऐड हो रहा है, उसकी वजह से बढ़ रहा है। अगर नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेट अस कंसीडर 4 है, 4 के बाद 16 हुआ, 64 हुआ, ठीक है, फिर इस टाइप से अगर नंबर बढ़ रहा है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जब नंबर तेजी से ग्रो कर रहा है, मतलब कि इसमें मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक हो सकता है, प्लस का लॉजिक नहीं हो सकता या एडिशन का लॉजिक नहीं हो सकता। लेकिन जब नंबर धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर एडिशन का लॉजिक होने के चांस ज़्यादा है, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं, 2 और 5 के बीच में गैप कितने का है, 3 का, 5 और 10 के बीच में 5 का, 10, 17 की 7 का, 17 और 26 के बीच में 9 का। तो यहाँ पर देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ 3 का गैप था, फिर 2 से बढ़ गया 5 का हो गया, फिर 2 से बढ़ गया 7 का हो गया, फिर 2 से बढ़ गया 9 का हो गया, इस टाइप से बढ़ रहा है ना। इसी तरह यहाँ पर देखिए, 9 के बाद 11 का हो जाएगा, 37 माइनस 26 11, यहाँ पर हो गया 13 का, अब कितने का गैप होगा, अब 15 का होगा। तो ये जो 15 है, इसको 50 में ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, तो 50 प्लस 15 ये हो गया 65। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 3 है, 15 35 63, ये भी देखो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा, 3 से 15 हुआ, 15 से 35 63, 3 और 15 के बीच में गैप कितना हुआ, 12 का, इसके बीच में क्या है 20, इसके बीच में 28, 63 माइनस 25 38 आ गया, है ना। अब देखो 12 से पहले गैप 12 था, फिर 20 था, फिर 28 हुआ, मतलब कितना बढ़ गया +8, यहाँ कितना बढ़ गया +8, अब फिर से कितना बढ़ जाएगा +8, तो देखो 20 प्लस 8 28 28 प्लस 8 36, ठीक। अब कितने का गैप होगा, 36 का होगा, 28 को 35 में ऐड करेंगे 63 आएगा, ऐसे ही 36 को 63 में ऐड कर देंगे, 36 प्लस 63 ये हो गया 69 69 99, तो आंसर आ गया इसका डी, ठीक। इसमें क्या था, डिफरेंस का डिफरेंस, मतलब यहाँ देखिए यहाँ से 12 इंक्रीज हुआ, फिर 20 इंक्रीज हुआ, फिर 28, मतलब कि 8 का जो इंक्रीज है वो बार बार बढ़ रहा था, तो हमने अभी 28 में 8 इंक्रीज किया तो हो गया 36, और उसके बाद 36 को 63 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 99, इसका आंसर हो गया 99। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री भी इसी लॉजिक पर बेस्ड है, है ना, एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड है। इसका आंसर आप कैलकुलेट करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, 2, 8, 16, 128, ठीक है, 2 से 8 हुआ 8 से हो रहा है 16 16 से हो रहा है 128, ठीक। यहां पर देखिए नंबर में शार्प इंक्रीज है, 2 से 8 हुआ 8 से 16 हुआ 16 से 128 हुआ, है ना, शार्प इंक्रीज है। जब नंबर इतनी तेजी से इंक्रीज हो रहा है, मतलब कोई मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यहाँ पर काम करने के चांसेस हैं। तो जैसे मुझे यहाँ देख के लग रहा है
8 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ रहा, 16 आ रहा है। इसी तरह 16 का अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आएगा, 6 8 48, 4 कैरी, 8 बन जाएगा 4 128। मतलब लास्ट के दो नंबर का मल्टीप्लाई यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 into 8 16, 8 into 16 128। अब हमें अगला नंबर निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, 16 into 128। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन से भी आप देखिए, ऐसे ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। 6 8 48, यूनिट डिजिट क्या हुई, 48 हुई। 8 डिजिट किस में है, एक इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब ऑप्शन ए और डी में से हो सकता है, ठीक है। अब देखो 128 को डायरेक्ट 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, 128 multiply 16, 6 8 48, 4 कैरी है, 6 12 4 16, 1 कैरी, 6 1 6 1 7, ठीक। और ये हो गया 128, ठीक। ये आ गया 6 6 8 14, 7 2 9 1 10, 2 0 4 8 इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर सिर्फ 8 वाला यूनिट डिजिट पे 8 वाला एक ही ऑप्शन होता तो हम डायरेक्टली यहाँ से बता देते आंसर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में 120 99 88, देखो क्या हो रहा है, 120 99 80 63 48, ठीक है। 120 90 हो रहा, 90 से 83 इस टाइप से हो रहा है, तो ये तो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन का भी लॉजिक हो सकता है, वो भी चेक करते हैं हम। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या हुआ, इनके बीच डिफरेंस हुआ 21, इसके बीच में हुआ 19, इसके बीच में हुआ 17 और यहाँ पर हुआ 5, 6 में 4 25, ओके। तो 21 19 17 कोई लॉजिक यहाँ पर नहीं आ रहा है, मतलब ये जो चीज़ है ये डिफरेंस वाला लॉजिक यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, ठीक। अब हम दूसरा लॉजिक देखते हैं, हम देखते हैं 120 को हम लिख सकते हैं 12 into 10, इसी तरह 99 को लिख सकते हैं 11 into 9, 80 को लिख सकते हैं 10 into 8, 63 को लिख सकते हैं 9 into 7, 48 को लिख सकते हैं 8 into 6, लिख सकते हैं। अब इस पूरे सीरीज में आप एक चीज़ देखिए, अगर यहाँ 12 और 10 था तो एक यहाँ कम हो गया, एक एक दोनों में कम हो गया, सिमिलरली यहाँ हुआ, सिमिलरली यहाँ, यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। मतलब हर नेक्स्ट डिजिट में उससे एक कम करके दोनों नंबर को कम करके दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। तो 48 के बाद जो नंबर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, 8 को कम किया तो 7, 6 को एक कम किया तो 5, 7 into 5 35 आंसर आ जाएगा, ठीक। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आप लॉजिक को पहचानिए, लॉजिक आपको 2 मिनट इसको ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके से ग्रो कर रहा है, जो सीरीज है किस तरीके से बढ़ रही है। अगर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, मतलब 2 के बाद 16 फिर 64 इस टाइप से है, मतलब कि यहाँ चांसेस है कि इसमें मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक हो सकता है, ठीक। अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे। इसको देखिए 240 ब्लैंक इस टाइप से दिया हुआ है, ठीक। ये देखो 240 120 40 10 2, ठीक। अब देखो यहां से स्टार्ट करेंगे तो एक गैप है, इसलिए हम यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे, इसको यहां से स्टार्ट करते हैं। 2 से 10 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई बाई 5, 10 से 40 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई बाई 4, 40 से 120 मल्टीप्लाई बाई 3। अगर यहाँ 5 से आ रहा है, 4 से आ रहा है, 3 से आ रहा है, मतलब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 120 into 240। लॉजिक के अकॉर्डिंग इसको 1 से मल्टीप्लाई करना चाहिए तो यही आ जाएगा, तो यही आ रहा है, मतलब इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। मतलब पहले 5 से किया, फिर 4 से किया, फिर 3 से, एक एक नंबर से कम होता जा रहा है, ठीक। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 2 6 7 1 2 6 7 21 22 66 67। अब यहां पर देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, तो देखो अगर 1 में हम प्लस 1 करते हैं तो 2 मिलेगा, 2 को अगर मल्टीप्लाई बाय 3 करते 6 आ रहा है, 6 में प्लस 1 करते 7 आ रहा है, 7 इंटू 3 करेंगे 21 आएगा, इसमें प्लस 1 करेंगे 22, इंटू 3 66, प्लस 1 67
और 67 में अगर हम इंटू 3 करेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा जो कि आएगा 201, 201, 7th year 21, 6th year 18 201, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। कैसे किया? देखो पहले एक नंबर में प्लस का वन करते हैं, एक से इंक्रीज कर रहे हैं, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर उसमें 1 को ऐड कर रहे हैं, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर उसको 1 का ऐड कर रहे हैं, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 1 ऐड किया, फिर सिमिलरली 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये भी काफ़ी सिंपल है, इसको देखते हैं कैसे करेंगे। 9, 17, 31, 57 ये ब्लैंक है और 205 है, ठीक। इसको देखें कैसे करेंगे, हमें 9 से अगर 17 को बनाना हो तो क्या करोगे, इंटू 2 माइनस 1, 9 to 18 माइनस 1 17 हो गया, 17 से 31 अगर करना हो तो हम इंटू 2 माइनस 3, क्योंकि 17 into 2 34, 34 में 3 माइनस करेंगे 31, 31 से 57 अगर बनाना हो तो इंटू 2 31 into 2 62 62 माइनस 5 57, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई करना है सब में और उसको पहले 1 माइनस करना, फिर 3, फिर 5, नेक्स्ट 7, फिर 9, ठीक। तो अब नेक्स्ट जो नंबर है, देखिए हमने 9 में 2 किया माइनस 1 किया तो ये मिल गया। अब इसके आगे जो जाएंगे तो आगे जाने के लिए 57 इंटू 2 माइनस 5 किया था, अब 7 कर देंगे, ठीक। 57 इंटू 2 हो जाएगा 14, 114 माइनस 7 ये आ जाएगा 107, इसका आंसर आ जाएगा 107, मतलब 107 मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो क्या हो रहा था, हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, फिर 1 माइनस कर रहे थे, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। तो इस टाइप के जो लॉजिक्स होते हैं, यही जो है मतलब आपको समझना है किस टाइप के लॉजिक हमें कहाँ यूज़ करना है, ठीक है। तो ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ये चीज़ें आपको आने लगेगी, ठीक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, इसको देखते हैं। 0, 1, 5, 14, 30, 55, 91। अब यहाँ पर लॉजिक देखो क्या हो सकता है, 0 से 1 बनाए, 1 से 5, 5 से 4, 4 से 30, ठीक। हम इन सबका सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 और 1 का डिफरेंस 1, 5 और 1 का 4, 14 और 5 का 9, 30 और 14 का 16, 30 और 55 का 25, 55 और 91 का 36, यही है। मतलब ये है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4, 5, 6, सिमिलरली 7 का स्क्वायर, वो आपको इसको ऐड कर देना है। तो ये तो आप खुद ही कर लेंगे, है ना। तो इसका जो भी आंसर आता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है। देखिए ये जो सीरीज़ है 93, 309, इसको आप पहले ऑब्जर्व करें कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो इसको देख के देखे आपको एक बात समझ में आ रही होगी, ये नंबर है पहले ये तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे ग्रो कर रहा है ना। तो मैं आपको एक इसमें हिंट दे देता हूँ, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप से जब भी आपको क्वेश्चंस देखने मिलेंगे, तो इसमें लॉजिक फाइंड आउट करने का एक और तरीका होता है, आप इनके डिफरेंस जो होते हैं उनको निकाल लीजिए, वो स्क्वायर भी हो सकता है और क्यूब भी हो सकता है किसी न किसी नंबर का, ठीक। तो हम इसको करके देखते हैं। देखिए 9309 में से अगर 93 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 309 पहले मैं लिख लेता हूँ, 309, 434 और 498, ठीक। इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करते हैं, 9 में 3 का 6, 30 माइनस 9, 216, यहाँ करेंगे तो आएगा 125, ये आप करोगे तो आएगा 464, ठीक। मतलब पहले जो 216 है ये क्या है, ये 6 का क्यूब हो गया, 125 जो है ये 5 का क्यूब हो गया, और 64 जो है 4 का क्यूब हो गया, ठीक। मतलब पहले 6 का क्यूब है, फिर 5 का क्यूब माइनस कर दिया, फिर 4 का क्यूब माइनस कर दिया, इसके बाद 3 का क्यूब कर देंगे, ठीक। तो 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब क्या होगा, वो होगा 27, है ना, वो क्या हो जाएगा 27। तो 27 को इसमें ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 498, और 27 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 525, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में गिवन था, ठीक। बहुत ही सिंपल था,
हमने सबका डिफरेंस निकाला, तो डिफरेंस से हमें पता चला ये 216 जो 6 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब, मतलब एक एक नंबर कम होता जा रहा है और सारे नंबर्स का जो है वो क्यूब है। ठीक, बहुत ही इजी था, है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये जो है ये बहुत ही इजी है, बहुत इजी है, आप इसको खुद करिए, है ना, तो बेटर होगा। इसको खुद करेंगे आप और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। ठीक, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 062460। ठीक, 060624601202010। ये है क्वेश्चन। तो इसको हम कैसे करेंगे ये हमें समझना है। अच्छा, आप इसको देख के कुछ समझ रहे हैं क्या इस सीरीज में? अगर मैं 6 को बोलूं, 6 को बोलूं, तो 6 को मैं लिख सकता हूं 2 का क्यूब माइनस माइनस 2 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। 24 को मैं 3 का क्यूब माइनस 3 लिख सकता हूं, 3 का क्यूब क्या हुआ 27, उसमें से माइनस 3 किया तो आ गया 24। ऐसे ही 60 को मैं लिख सकता हूँ, 60 को लिख सकता हूँ 4 का क्यूब माइनस 4, 4 का क्यूब माइनस 4, 4 का क्यूब हुआ 64 माइनस 4 60। ठीक, ऐसे इसको लिख सकता हूँ 5 का क्यूब माइनस 5, ठीक, 5 का क्यूब 125 माइनस 5, ये हो जाएगा 6 का क्यूब माइनस 6। तो इसके जो आने वाला अगला नंबर हो जाएगा वो होगा 7 का क्यूब माइनस 7, 7 का क्यूब क्या होगा 343 माइनस 7, तो यह आ जाएगा 336। ठीक, और जीरो को भी देखिए, जीरो में भी डाउट आ रहा था, जीरो को अपन 1 का क्यूब माइनस 1 लिख सकते हैं, 1 का क्यूब माइनस 1 जीरो हो गया। तो मैंने ये इसलिए नहीं बताया था कि अगर ये सारे लॉजिक सेट हो जाता है तो वो जीरो तो अपने आप हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो इस टाइप का लॉजिक भी होता है जिसमें वो खुद का क्यूब होता है माइनस, और 2 का क्यूब है उतना ही माइनस हो गया, या 3 का क्यूब है तो 3 से ही माइनस कर दिया। ऐसा भी हो सकता है कि 2 का स्क्वायर माइनस 2 का भी गैप हो सकता है, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का भी लॉजिक हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के लॉजिक जो है वो मिसिंग नंबर में होते हैं। ठीक, आज मैंने आपको मिसिंग नंबर के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉजिक हैं और मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।